हाय गाइज, माय नेम इज़ सोनू एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बेस्ट साउंड सेटिंग्स के बारे में। और मैंने डिस्प्ले सेटिंग्स के ऊपर पहली वीडियो अपलोड कर रखी है, सो अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, सो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जैसी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ देन आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और ये बिल्कुल ही फ्री है गाइज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है एंड देन डिवाइस प्रेफरेंसेस सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन मिलेगा, देखिए पावर के नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, सिंपली आपको साउंड के ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है सिस्टम साउंड, इसे ऑन ऑफ रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली साउंड मोड पर आना है, सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे साउंड मोड में जैसे आओगे यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन मिलेगा सबसे लास्ट में, सो सिंपली इस पर क्लिक करना है। 100 हर्ट्ज को आपको 7 dB कर देना है और 300 वाले को 3 कर देना है और 1000 वाले को 0 कर देना है, 3500 वाले को आपको 3 कर देना है एंड 10000 वाले को आपको 7 dB कर देना है। तो ये हमारे लिए एक बेस्ट डिस्प्लेसिंग, नीचे जो भी ऑप्शन मिलेगा उसे सेम रखना है, ठीक है। डिजिटल आउटपुट डिले इसे भी ऐसी सेम रखना है, जो भी आपके डिफ़ॉल्ट आया है, वैसे तो मैं 0 कर रखा है। AGC को भी आपको इनेबल नहीं करना है, यहाँ पे एक टिक मार्क करते हो इनेबल हो जाता है, इसे इनेबल आपको नहीं करना है। सो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी आती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक जरूर करिए। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँगा देन आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।